हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे ना, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा नाइन्थ में, आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी एट से निकले होंगे और नाइन्थ में एडमिशन कराए होंगे। और हो सकता है कि, जाहिर सी बात है भाई, क्या होता है कि बिहार वाले जितने स्टूडेंट होते हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, ज़्यादातर नॉलेज होता ही नहीं है। वो नाइन्थ से ही आके तैयारी करते हैं और सोचते हैं अच्छे से हम नाइन्थ में पढ़ लेंगे तो टेंथ में क्या होगा, अच्छे से हम लोग आगे रिजल्ट कर सकते हैं। तो नाइन्थ से आप लोगों को स्टडी करनी होती है, और नाइन्थ में हमें साइंस भी पढ़ना होता है। साइंस नाम का कोई बुक होता है, आपको पता होगा, है कि नहीं? वो तो वो सबको पता होता है। तो साइंस नाम का कोई बुक होता है, साइंस में हमें, आज हम लोग साइंस में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उस चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आज हम लोग नोट्स को देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे, क्या है नहीं है सारा डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले चैप्टर में दे दिया गया हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब पदार्थ का चर्चा कर दिया गया है, मतलब हमें सिर्फ पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। और हमारे आसपास, मतलब हमें इस चैप्टर में सिर्फ आसपास की चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी है। क्लियर है? तो अगर आप नाइन्थ में हैं और अभी एडमिशन लिए हैं और आप चाहते हैं कि हमें अच्छे तरीके से, हमें एक सीरीज में नोट्स के साथ साथ और नॉलेज के साथ साथ और सारे कंसेप्ट के साथ साथ स्टडी करें, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कक्षा नाइन्थ में हमें साइंस में आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा निकलता है इस चैप्टर में, सबसे पहला क्वेश्चन वो आता है पदार्थ तथा उनके गुण। पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं और आप क्या समझते हैं? कैसा भी क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन जैसा भी लिखना, एक ही चीज़ है। तो मतलब पदार्थ के बारे में और उसके गुण के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपसे पूछे कि पदार्थ के दो गुणों को लिखे, तीन गुणों को लिखे, तो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, और वो कि दो नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये अगर आप यहाँ पढ़ लेते हो तो गारंटी देता हूँ कि अगर नाइन्थ में ये स्टडी कर लिए ना, तो बेटा टेंथ में कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। क्योंकि टेंथ में अगर यहाँ से अच्छे से पढ़ लिए तो टेंथ में गए समझ लो सारा चीज़ वही चीज़ नजर आएगा जो आप नाइन्थ में पढ़ोगे। तो नाइन्थ को अच्छे से पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ तथा उनके गुण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखे हैं, हम पहले लिखे हुए के समझाते हैं, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स में वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। लिखा है मैंने कि विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी सामग्री से बने होते हैं। सामग्री मतलब होता है कण। ठीक है? तो जितने भी वस्तुएं सभी सामग्री से बने होते हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। मतलब विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं, मतलब ये हुई कि आपको नज़र खिराएं इधर उधर, जिधर आपको नज़र जा रहा है उधर नज़र दौड़ाए, और जिस चीज़ पर नज़र जा रहा है, जिस चीज़ को आप देख रहे हो वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। क्लियर है? मतलब कुछ पे भी, जो पे नज़र डालो, तो आपके सामने बुक होंगे, पेन होंगे, टेबल होंगे, जो भी चीज़ है, सारा चीज़ क्या है? पदार्थ है। क्लियर है? चलो, ये तरह। अब वो क्या चीज़ से बने होते हैं? वो सामग्री से बने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सभी वस्तुएं क्या चीज़ से बने होते हैं, तो वो एक सामग्री से बने होते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जो सामग्री से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और इर्द गिर्द में जितने भी चीज़ें हैं सभी क्या है मेरे, सभी वस्तुएँ क्या है? पदार्थ है। क्लियर है? चल, इतना तो क्लियर हो गया होगा। मतलब ये समझ में आ गया हमें इस लाइन से कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, वस्तु मतलब क्या, क्या वस्तु? अरे यार, ये मार्कर क्या है? वस्तु है। ये बोर्ड क्या है? वस्तु है। मैंने ये बल्ब लगाया, पंखा है, नज़र हमको जो जो आ रहा है, मोबाइल है, तार है, ये माइक है, टेबल है, कुछ भी है, सभी क्या है? वस्तुएं हैं। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया वस्तु किसे कहते हैं। हाँ, तो विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी सामग्री से बने होते हैं। क्या चीज़ से बने होते हैं? सामग्री से। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सामग्री से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू रे? पदार्थ कहते हैं। ये मेरा दो नंबर का क्वेश्चंस हुआ, दो मार्क में आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा काबिल बनोगे तो फिर जाओगे पानी में, है कि नहीं? अब आगे बात करते हैं, हमें पदार्थ के बारे में समझ गए, ये पदार्थ के बारे में मैंने स्टडी कर ली। अब उनके गुण के बारे में देखते हैं, उसके अंदर गुण क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मैंने 3 स्टार लिखा है इसके गुण के बारे में। मैंने लिखा है कि हमारे आसपास में हर वस्तु में पदार्थ मौजूद है। मतलब हम क्या बोले, आप इर्द गिर्द इधर उधर झांके, जितने भी चीज़ें नज़र आ रहे हैं सभी तो पदार्थ है, लेकिन सब में क्या है, सभी वस्तु में क्या है? पदार्थ मौजूद है, तभी हम बोलते पदार्थ है। मतलब हमारे इर्द गिर्द में जितने भी चीज़ें हैं सभी वस्तुएं हैं, अब वो वस्तु में क्या है? पदार्थ मौजूद हैं। ये पहला गुण हुआ। क्लियर है? चलो, ये तो समझ में आ गई। दूसरा स्टार को हम लोग समझते हैं, ये स्टार क्लियर हुआ। दूसरा स्टार देखिए, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं। जाहिर सी बात है, आप नज़र खिला ले,
आप नजर उठा के देखें, जो भी चीज जहां रखा हुआ है कहीं ना कहीं वो स्पेस को घेर के रखा है। मतलब अगर इस मार्कर की बात करें, मैं इस मार्कर को यहां रख ले तो मेरे इस मतलब ये मेरे यहां पे रखा हूं इस हथेली पे, तो यहां पे इस जगह को क्या किया, ये एंगेज्ड कर दिया, बिजी कर दिया। ये इस जगह को मैं कुछ भी और नहीं रख सकता, किया मैंने मार्कर को रख दिया। मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने ये वस्तु है, पदार्थ है, सभी क्या होता है, बबूरे स्थान घेरता है। क्लियर है? दूसरा स्टार क्लियर। चलो ये मेरा गुण हो रहा है, ये दूसरा गुण क्लियर हो गया। अब हम तीसरे गुण की बात करते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अब ये द्रव्यमान क्या है? देखो भाई, दुनिया में आपको जितने भी चीज नजर आते हैं, आप हर चीज को तौल लो, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा। समझ में आई? ये भी पदार्थ का एक गुण है। अब यहाँ पे पदार्थ पानी भी है, हवा भी है, हर चीज पदार्थ है। आपको अगर हवा का कोई वेट, हवा का भी वेट होता है, पानी का भी वेट होता है। दुनिया में जितने चीज है सभी में क्या है, द्रव्यमान पाए जाते हैं। मतलब ये पदार्थ का तीसरा गुण हो गया। क्लियर है? चलो तो ये तो मेरा हो गया तीन स्टार खिलाफ। मतलब ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, पहला क्वेश्चन मेरा हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरा यह दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ की संरचना, पदार्थ का बनावट, पदार्थ का स्ट्रक्चर, आप ऐसे कह सकते हो। मतलब संरचना, अब इसके बारे में समझते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, विश्व में जितने भी पदार्थ है, हम पहले बताएं, दुनिया में जितने भी पदार्थ है, जो भी नजर आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, सभी कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण क्या है? ये कण के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल कण समझे। अभी छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं छोटा सा बता देता हूँ कि रिक्वेस्ट कहता हूँ, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम तो है नहीं ज़्यादा। फिर भी कण जो होते हैं वो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर, छोटे छोटे चीज़ को मिला करके एक चीज़ तैयार कर दे, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कहीं पे बहुत सारा मतलब मिट्टी बिखरा हुआ है, और सारा मिट्टी को उठा ले और उठा करके उसे पानी उन्हें मिला करके एक मिट्टी में एकदम गोला बनाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी हम लोग बचपन में करते थे, मिट्टी मिट्टी खेलते थे, तो बहुत सारा मिट्टी को मिला कर पानी में करते थे, एक जगह करते थे। तो मतलब मान लो कि वो मिट्टी जो था, छोटा छोटा टुकड़ा, वो कण था। वो क्या था? कण। मतलब कण समझ रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे हम कण कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, आप पेंसिल को छीन लो, पेंसिल को छील करके और उसे क्या करते हो, तोड़ दो, तो वो क्या होता है, कणों में बढ़ जाता है। लकड़ी का जो छीलते हैं हम लोग, तो वो निकलता है, वो क्या है, कणों में बढ़ जाता है। अदर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा दाल है, और दाल का जो एक टुकड़ा, उसको हम लोग कण कह सकते हैं। मतलब क्या, कण जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ को हम कण कहते हैं। क्लियर? अगला क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, फिलहाल अभी कण के बारे में समझे, मतलब पदार्थ के बारे में समझे। विश्व में जितने भी पदार्थ है सभी कणों से मिलकर बने होते हैं। आप कहोगे भाई, अभी आपने यहाँ पे कहा कि जितने भी वस्तुएं हैं सभी ये सामग्री से बने होते हैं, वस्तु सामग्री से बने होते हैं, वही है कण। क्लियर है? तो मतलब विश्व में जितने भी पदार्थ है सभी कणों से मिलकर बने होते हैं, ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब कण जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर है? चलो, और सभी का आकार अलग अलग होता है। मतलब पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन पदार्थ जिस कण से बनता है, पदार्थ का जो संरचना होता है, बनावट होता है, सभी का आकार अलग होता है। कैसे? ये मार्कर का आकार गोल है और ये इसका लेंथ लंबा है, लेकिन अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये चौड़ा है और चिपता है। सबका आकार अलग है, हमारा इंसान का भी आकार अलग है। किसी का हाथ है, किसी का दो हाथ, किसी का एक कान गायब रहता है, हाथ है वो गायब रहता है। सबका आकार अलग है, शेप अलग है, सबका बनावट अलग है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ही बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, आकार अलग है, है ना, आकार अलग। तो उसी को हम कहते हैं संरचना, बनावट। मतलब ये हुआ कि विश्व में जितने भी पदार्थ है सभी कणों से मिलकर बने होते हैं, ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, और सभी का आकार अलग अलग होता है, सभी का जो शेप होता है, शेप साइज होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आप नज़र इधर उधर दौड़ा के देख ले, अगर आपके सामने कुछ भी नज़र आ रहा है तो आप उस शेप को देखें, उसके आकार को देखें, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई पतला होगा, सारा चीज़, जितने भी चीज़ होंगे, जितने भी थिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सभी चीज़ क्या होगा, आकार सबका क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है? चलो, तो यहां तक मेरा हो गया क्लियर, दूसरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण, इस चीज के बारे में हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे।
अगर हम अभी स्टडी कर देना तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि ये अभिलक्षण के बारे में हम लोग कुछ अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि इसके बारे में कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो में इसको मैं नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में इसको बताऊंगा। जब मैं अगले क्लास में इसको लेके आऊँगा तो आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, और जब हम ये वीडियो अपलोड करूँगा इसका तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सके, बाय द वे अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई अच्छे खासे दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज मैं हट जाता हूँ। इसे नोट करें, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।